संपदा रखो परिवार ने कुटुंब में दुर्गा रखो एका रखो संपदा रखो मम सर्व प्राणी मोक्ष में जाओ मस्तक लगाओ बेकुंड वासी जीवना कंध लगाओ सड़क निवासी वह कंध लगाओ बेकुंड का वास हृदय का लगाओ सड़क का निवास गुला का बिछावड़ा बेकुंड का वास आज के लते गया गलते बेकुंड वासी सड़क निवासी मस्तक पर वाल लो अनुनु आराम आराम या मतरा माया का श्री कांचो द्वारा समुद्रवा मोक्ष का मार्ग करनाथ है करनाथ है श्री कांचो वो तक सीधा मोक्ष को वायदा कर देता है नमो नमः है दार जी ने आज से संतान देनो है धन्यवाद सारा जरा आप उसमें अम्मा में बबरी में झगड़ा हो गया वे आ गए यहाँ ब्रह्मा जी रह गए मैं दो इंद्रिय धरते दो स्त्री हूँ कहीं झगड़ा हो जाएगा कांड वगैरह तो अभी जागरूक पीछे ये चाहे तांड वाके जाए अम्मा तू बजे के आई
चावल बिखेर थे कबूतर को, कबूतर आते हैं इधर। बोलो पुष्कराज की जय, बोलो गोरख दाने की जय। रोज अगरबत्ती लगाओ मैं तो ले आता यार हूँ थोड़ा हूँ वहाँ कोई माँ का बहान पुलिस वाला चौकी लगा दी वो तहसीलदार आयो वो आयो मस्टर्ड आयो मगर तेरा जैसा तो मेरे सूत को सलाम करता लौड़े मैं नंगी होगी वहाँ मगर दे बैठा तेरा जैसा मेरे सूत को सलाम करता वो भाग गया दो मिनट में भाग गया लौड़ा मगर चौकी को आगे लगा इसमें वो हिरण नहीं है सांबर है हिरण का नाम है हिरण यहाँ का वो लादा भी मेरे साथ आ गया यह नया बंदर है नया बंदर होता है 50 बांदरा में एक बॉस होता है बंदरा वो बांदरी को पटाता है दूसरा बंदर आता उसको मारता है ये कि बंदर रहता 50 बांदरिया में मरा दिन रात यहाँ रचका बैठते हमको पहचान तो यह बंदर उसको लोली चुका था बांदरी को फिर वो बांदरी का पप्पी लगाता उसका बात किस लगाता पर उसको खाने पे टांगड़ा रख के फिर उसकी साथ में यह सब गोल करते कभी गौड़ी बना के कहते हैं कभी ऐसे करते पर अधिकतर खाने पे टांगड़ा रख के इसकी गांड मारता ही दूसरा बांदरों आ जाए तो उन्हें कूटर पे कहते हो जितनी भी वो तारा पर रहती है ऐसा बांदरिया
बंदर एक ही इसमें बॉस और बांदरे महीना महीने ब्याह किए, इसमें है कि बॉस रहता ये संभव करता बहुत और इससे भी ज़्यादा प्यार करता है। वो देखो आ गया हुआ, वो देखो वो गया, वो जाकर वो बैठ गया या बांदरे की लार करता साइड में ले जाता बम्बूड़ के आड़ में। दो बंदरी होती है उसका बोबर रहते थन, देख लो सबको थन है, एक का कौन ही इतना।
अश्वमेध संपन्न करने की पूरी प्रक्रिया शून्य से आरंभ होकर शून्य पर ही समाप्त होती थी। अश्वमेध में भाग लेने वाले उसमें काम आने वाली हर वस्तु का निर्माण स्वयं करते थे। अनुष्ठान के लिए हर गांव से सैकड़ों पशु पकड़कर लाए जाते। पालतू पशु गांव में रहते, वन्य जीव वनों से और पहाड़ी पशु पर्वतों से। इसी तरह जलचर नदियों से पक्षी पिंजरों में और सांप पात्रों में बंद रखे जाते। सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम प्रजापति ने अश्वमेध देखा था। उसी तरह जैसे कोई व्यक्ति अश्व को आँखों के सामने से जाते हुए देखे। तब फिर अश्व क्या था, वह कौन था? वह था प्रजापति का नेत्र। यह कुछ यूं घटा था, प्रजापति शून्य में निहारते हुए कामना कर रहे थे। अकस्मात उनका बायां नेत्र फूलने लगा और फिर कोटर से निकलकर धरती पर गिर गया। प्रजापति कोटर से निकले, सूजे हुए नेत्र को देखने लगे जो सामने धूल में पड़ा था। उन्हें लगा वह नेत्र नहीं, अश्व है। इसके तुरंत बाद उनके मन में विचार आया, नेत्र को प्राप्त करके वह फिर से सर्वांग संपूर्ण होंगे। और उसी क्षण उन्होंने अश्वमेध की क्रिया देखी। लगा जैसे शरीर पर काले धब्बों वाला श्वेत अश्व सामने से दौड़ा जा रहा हो, उसकी अयाल वायु में लहरा रही हो। प्रजापति जान गए कि वे अश्व को मारेंगे, उसके बाएं भाग को काट देंगे जिससे उनका बायां नेत्र लौट सके, वह नेत्र जो फूलकर कोटर से बाहर गिर गया था। किंतु यह होने के बाद भी वहां सदा के लिए घाव का सूक्ष्म चिन्ह शेष रह जाएगा। वह चिन्ह होगा बलि का, बीते हुए जीवन का। प्रथम जन्मा अग्नि भाग गए थे, अन्य देवता प्रजापति को घेरे हुए खड़े थे। अग्नि का पीछा करो, उसे खोजकर वापस लाना ही होगा, प्रजापति बोले। किंतु अग्नि अपने पिता के अतिरिक्त और किसी के सामने प्रकट होने वाले नहीं। इसके बाद प्रजापति ने एक अश्व का रूप धारण कर लिया। अग्नि की खोज में कहां कहां नहीं गए वह। फिर एक दिन सरोवर से जल पीते समय उन्होंने देखा एक कमल पत्र पर तेज प्रकाश कौंध रहा था। उनका मुंह आग के ताप से झुलस गया था। अग्नि ने समझ लिया कि उन्होंने पिता को झुलसा डाला है। और उसी दिन से सफ़ेद घोड़ों के मुंह लाल होते हैं, मानो आग में झुलसे हुए हों। यह उस घाव के चिन्ह हैं जिसे हम ज्ञान कहते हैं। युद्ध एक ऐसी घटना है जो कर्मकांडीय क्रियाओं में बाधा डालती है। घोड़े का निरंतर भ्रमण ही स्वाधीनता है। घोड़े के साथ आगे पीछे चलते सैनिक वन जंगल पहाड़ से गुजरते हुए जब किसी ब्राह्मण को देखते तो उससे पूछते, ब्राह्मण तुम अश्वमेध के विषय में क्या जानते हो? यदि ब्राह्मण इस प्रश्न का उत्तर ना दे पाता तो सैनिक उसे लूट लेते। स्पष्ट था कि जो व्यक्ति ब्राह्मण होकर भी अश्वमेध के विषय में नहीं जानता, वह किसी भी विषय में कुछ नहीं जानता। अर्थात वह ब्राह्मण नहीं था और इसलिए उसे लूटा जा सकता था। अब बलि का रक्त रंजित क्षण आ पहुंचता। पुरोहित कुटिया का दरवाज़ा खोलकर घोड़े को बाहर निकालते। घोड़ा सबके आगे आगे चलता, अध्वर्यु उसकी पूंछ थामे रहता, शेष पुरोहित एक पंक्ति में चलते, पीछे वाला पुरोहित आगे चलते पुरोहित के परिधान का छोर थामे रहता। भला पुरोहित घोड़े का अनुसरण क्यों करते थे? क्योंकि घोड़ा ही आकाश मार्ग से परिचित था। उसे कुछ मंत्र पुरोहित से अधिक मालूम थे। उद्गाता घोड़े को नेतृत्व करने देता। घोड़ा उस बाड़े की ओर बढ़ता जहाँ घोड़ियों को छिपाकर रखा गया था। बाड़े का दरवाज़ा खोल दिया जाता। घोड़ियों को देखते ही घोड़ा
जोर से हिनहिना उठता। वहाँ के मौन वातावरण में उसकी हिनहिनाहट बहुत जोर से सुनाई देती। घोड़े की हिनहिनाहट ही उद्गीत है। जब अश्व को सज्जित करके एक जुलूस के साथ बलि यूप की ओर ले जाया जाता था, वह उसके लिए पीड़ा का परम क्षण नहीं होता था। पर जब अध्वर्यु और अश्वमेध करता राजा उसके कानों में बुदबुदाते थे कि उसके साथ कोई हिंसा नहीं की जाएगी, उसे कोई पीड़ा नहीं पहुंचेगी, तब अश्व को बखूबी पता होता था कि इस कथन के विपरीत उसके साथ भरपूर हिंसा होने वाली है और वह भयानक पीड़ा झेलेगा। अश्व को बलियूप से बांधने के बाद 12 सफ़ेद और काली बकरियों को अश्व के विभिन्न अंगों के साथ बांध देते थे। बकरियां आसन्न मृत्यु का पूर्वाभास करके बंधन से छूटने के लिए उछलने कूदने लगती थीं। अश्व उनके द्वारा हर ओर से खींचे जाने के कारण अस्थिर बेचैन हो उठता था। बेचारा अश्व, उसके और मृत्यु के बीच अब थोड़ा ही समय शेष रह गया होता था, किंतु वह स्थिर खड़ा रहना चाहता था। तुम ही हो जिससे प्रार्थना के भंडार की अग्नि प्रज्वलित हुई है। होता ने इन वाक्यों के साथ अश्वमेध से संबंधित अंतिम क्रिया का आरंभ किया। इसके बाद ही अश्व का वध किया जाना था। यही था अश्वमेध। सबने मिलकर अश्व को उस स्थान पर घुटने टेक कर बैठा दिया, फिर कपड़े से उसका गला घोंट डाला। अब महिषी अश्व के शिश्न को अपनी जांघों के बीच लेने का प्रयास कर रही थी। यह कोई सरल काम नहीं था। अब अश्वमेध करता राजा आगे बढ़ा और अश्व को प्रोत्साहित करते हुए बोला, ओ पुरुष, स्त्रियों को अत्यधिक आनंद देने वाले इसे नारी की योनि में प्रवेश कराओ। तभी घोड़े से सटकर लेटी महिषी ने अपना अधोवस्त्र हटाकर योनि को दिखाया और इसके बाद अध्वर्यु ने दोनों को उस वस्त्र से ढक दिया जिससे कुछ ही देर पहले घोड़े का गला घोंटा गया था।
बोल पुष्कराज की जय, बोल ब्रह्मा विष्णु की जय, सावित्री गावत्री की जय, चामुंडा माई की जय, बाकड़ोल माई की जय, पहली माँ धरती, दूजी माँ गाय, तीजी माँ जलम दे, बड़े कीड़ी के बीच में गांठ हो, अन्न खाया करे, कीड़ी शक्कर ने चूसा करे। देखो वो मुंडा में ले रहा बाबा, पास में आ जाओ, देखना रोटी मत खाना इसका हाथ से, वो रोटी का मुंडा नहीं लगा हुआ। देखो अब मैं बोलूँ जल्दी खाइया, देख लो यार रोटी खाई की देखा, हाँ देखो मैं क्यों जल्दी खाइया। 10 घंटा थे मालपुआ रख दो, मैं क्यों तो खाए। गौ सेवा सबसे बड़ी होती है, गाय की सेवा सबसे बड़ी। इसके थन में बदरंग बोली है, इस तुई के अंदर गजानंद है, इसमें जितने भी 36 करोड़ देवता है, और यहाँ जो कुरान खानी है इस गाय के, जो ये कान को हिलाती है, कुरान खानी। जो मुसलमान होते हैं कुरान खानी करा के नया मकान बनाते हैं, तो कुरान खानी उनका बढ़ेरिया का नाम बगसते, फातिहा दुरूद लगा के उनका बढ़ेरिया का नाम बगसते, जो इसलिए ये उससे पेशाब से अतराज करते हैं। जिसकी बीपी लो होती है, और 7 दिन देसी गाय का मूत पी लो, बीपी लो कभी नहीं होगी। हमारी भैंसों के चक्कर में है साहब, भैंसियाँ खो गई हैं, गुम गई, पहले गुम होगी नहीं इसलिए बताएंगे। पहले एक ट्रैक्टर वाला आया, उसका गुम हो गया, तो गोजी के पास आया, वो ट्रैक्टर बताया नीमच मनासा, वहाँ ट्रैक्टर बता दिया, वो उसका हो गया ना, तो बता दिया बुआ जी ने, चोरी वाला, तो इसलिए हम भी भैंस गायब होगी, इसलिए भैंसों के लिए। एमपी यहाँ से राजस्थान से एमपी ले गया, एमपी मनासा नीमच साइड में जहाँ पे गांधी सागर की डैम है वहाँ, तो मैंने बता दिया यहाँ से। तो आपको कैसे पता लगता है? मैं सेवा करती हूँ गायों की, तो गाय को बताता है कि ग्वाल गाय चरा तो गये में मर गयो, डांग में जावे गए लेर उठे, रणथम्भो सवाई माधोपुर की डांग में, जड़ा शेर वगैरह चीता ना रहते सवाई माधोपुर रणथ भंवर, तो वहाँ वो गाय चराते मर गया, वो गाय का शरीर में प्रकट गया, जैसे इंसान का शरीर में इंसान प्रकटता है डाकन भूतरन जैसे, वो गाय को बता देता शरीर में आके, गाय मेरे को बताते, फिर मैं इनको बता देता। अच्छा, वो पैर से नाम लिख के बताती है, भाई फलानी बात है, फलानी चीज पैर से। जब भी तो आपको मैंने बोला 2 रोटी लेके आते इनको फूल लो, और 2100 रुपये लेती है वो गाय, 2150 रुपये कम होती तो रोटी को फेंक देती है वो। उन्होंने 4 पर्वत श्रृंखलाएं अलग अलग दिशाओं में बना दी, तो उत्तर में उन्होंने बना दिया नीलगिरी, दक्षिण में बना दिया रत्नागिरी, और पश्चिम में बना दिया उन्होंने सूर्यांचल, और पूर्व में बना दिया सूर्यगिरी, और चारों पर्वत श्रृंखलाओं पर सारे देवताओं को बिठा दिया गया कि आप रक्षा करोगे चारों तरफ से यहाँ से, और जब पुष्कर में बीच में यज्ञ चल रहा होगा। ये हवन कुंड की जगह है, ये 33 करोड़ देवता विराजमान हुए थे जब 10,000 वर्ष पूर्ति हो गई थी,
तो यज्ञ किया था। तो ऐसा हुआ कि यहाँ नारद, उनको पत्नी की जरूरत पड़ी सावित्री की, हवन होगा तो मैं पत्नी के नहीं हो सकता। जब नारद जी से कहा ब्रह्मा जी ने कि भाई तुम जाओ जल्दी से अपनी माँ को लगा के लाओ, नारद जी थोड़े चले तो उन्होंने सोचा कि मैंने सब में झगड़ा कराया लेकिन माता पिताओं में कभी झगड़ा नहीं कराया, अब के मैं माता पिताओं में झगड़ा कराऊंगा। जट उन्होंने जाकर कहा कि चलो माँ, ऐसे ऐसे तुमको याद किया है, तुम चलो मैं आ। इतनी बात कह कर नारद जी चले आए। नारद जी से कहा ब्रह्मा जी, बोले क्यों तुम्हारी माँ नहीं आई? अरे मैंने उनसे बहुत कहा था, वो आई नहीं। वो तो कह रही मैं माँ जाऊँगी माँ जाऊँगी, सबको साथ ले गया। गौचर कहते हैं गुजरों को। एक लड़की भृगु ऋषि के लिए आश्रम को दूध लेके जा रही थी, जट उसको धोखा दे करके लिया। आमदन गऊ थी यहाँ इंद्र की, जट मुखार बंद में उसे घुसेड़ दिया और पीछे कर निकाल दिया, जट उसका नाम गायत्री। Ah.
थैंक यू। स्वर्ग धरती पर उतर चुका है। यात्रियों से निवेदन है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष के अंत के 5 दिनों तक सब वर्णों के कल्याण के लिए पुष्कर तिथि यहीं पर निवास करता है। इस समय यहाँ पर होमदान आदि किया हुआ अक्षय फल को प्राप्त करता है। धर्मशालाओं और भोजन स्थलों की लिस्ट सूचना केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। पुष्कर राज्य की तरफ से यात्रियों की सुख सुविधा का ख्याल रखते हुए यात्रियों के लिए नए भोजनालय खोले गए हैं। पुष्कर वाटर वर्क्स की तरफ से पुष्कर जी का पवित्र जल मुंह बंद शीशियों में मुफ्त बांटा जा रहा है। धन्यवाद। डबल रूम, इसका लेटरिन बाथरूम बाहर है, इस अटैच नहीं है, हॉल नहीं, डबल रूम, अटैच रूम लगे हुए हैं। और ऊपर 2 अटैच रूम है और बड़ा सा टेरेस्ट है, ये भी डबल रूम है।
हो
आप सुनो मेरी बात, एक रुपया देना मैं अभी बदला बना दूंगा आपको, अरे नहीं नहीं 7,000 नहीं लेंगे बात, मैं दे दूं आपकी बात ऐसा 150 रुपए की 150 रुपए ही और दूंगा ऐसा पकड़ा ही जोगे नहीं 7,000 मिलेगा बात है आपसे जी ने वर दिया कि यहाँ के स्नान आदि से मनुष्य अमृत को प्राप्त होगा, वो सीधे स्वर्ग गमन करेगा। तो स्वर्ग में जनसंख्या का विस्फोट होने लगा। जल थल और नभ के समस्त प्राणी बिना किसी रोक टोक के ब्रह्मलोक पहुंच जाते। लोग पाप कर पुष्कर में डुबकी लगाते और सीधे स्वर्ग को चले जाते। उनके पाप पुण्य की गणना व्यर्थ हो जाती, अतः ब्रह्मलोक भरने को हुआ। देवता चिंतित हुए और भगवान के पास जाकर विनती की, भगवान इसका तो कुछ उपाय होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने बहुत सोच विचार कर देवताओं से कहा, मैं अपना वर तो कतई वापस नहीं ले सकता, किंतु वर्ष भर पुष्कर जी को अंतरिक्ष में रखूंगा। केवल कार्तिक शुक्ल पक्ष के 5 दिन 11 पूर्णिमा तक पुष्कर जी का निवास पृथ्वी पर रहा करेगा, इसी स्थान पर जहाँ की यज्ञ किया गया है। शेष सामान्य दिनों में धरती पर केवल पुष्कर की छाया मात्र ही रहा करेगी और वास्तविक पुष्कर अंतरिक्ष में रहा करेगा जहाँ कोई जा नहीं सकता।
जोरदार तालियों से अभिनंदन, तालियां बजाते हुए। के अंदर एक साईं बाबा गेस्ट हाउस है और फत्तू है वहाँ पे और बहुत अच्छा आदमी है और बहुत अच्छा होटल है उसका। तो नाक पूछती पूछती बिचारी देने के लिए आई थी, वो मेरे से खुश हो गई। खुश होने के साथ में हमारे पास आज परिवार है, बच्चे हैं और आनंद है। एक हमारे मारवाड़ी में कहवत कहते हैं, एक तो मतलब खाया हुआ और एक साथ में सोया हुआ, वो कभी नहीं भूल सकते। ये हमारे किताब में एंट्री है। ये पुष्कर के अंदर पहली बार अंग्रेज लाने वाले यही हैं और सबसे पहला गेस्ट हाउस इनका ही है। शुरू में 150 आदमी आए, फिर उसके आगे बढ़ते गए जैसे ही दुकानदार भी बढ़ते गए। 15 साल तक तो बाजार में खाने का ही नहीं था इनका कुछ भी, हम ही बनाते घर पे खिलाते। उसके अंदर मैं फ्रांस गया था, उसके बाद फिर हमारा विराट का था। तो वो अभी क्या करती है? वो क्या कर रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे ना यहाँ पे, तो वो बच्चे स्कूल वहाँ जाने लगे तो 6 महीना वहाँ रहने लगे। और 6 महीने 8 महीने लेकिन मेरी कहानी खत्म हो गई। और मैं क्या यार, अपन को तो यार मैं तो यार तू यहाँ नहीं पढ़े तो हिंदुस्तान में तो मेरे तो फिर मतलब के नहीं। मैं गया फ्रांस गया, मेरा माथा खराब हुआ। तुम्हें तो एक हफ्ता 15 दिन रुकने का था वहाँ पे। तो 15 दिन एक हफ्ते में मैं तो फ्लैट चेंज कर गया, सीधा वहाँ से गया स्पेन। आप गया हो कनारी आइलैंड, वहाँ पे सिंधी लोग रहिए बहुत लोग रहते हैं कनारी आइलैंड स्पेन वहाँ आइलैंड में। वहाँ पर 1.5 महीने रहता है, बहुत मजा आया वो। मजा क्या, फिर क्या कहानी खत्म हो गई वहाँ पर। फिर गए तो मेरे तो कोई इज्जत वैल्यू नहीं थी, मैं यार हटाया। मेरे पास क्या है कि देखो भैया, कि मैंने तो मेरी ज़िंदगी के अंदर कभी चीटिंग नहीं की। देखो विदेशी विदेशी ये आते हैं मेरे पास, अभी इस उम्र के अंदर पैदा कर दिया कि पूरे मोहल्ले के पागल हो गए मेरे पीछे। तो यार फत्तू भाई तो मैं क्या करूँ, भगवान दिया साहिब बाबा से एक दो मित्र थे, बोला यार डॉक्टर बोला इसको कटवा दे, फिर तो ये हो रहा है बीमार हो गए। मेरे को पता नहीं, ले गया हॉस्पिटल मिट्टल, बहुत बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल था दुनिया का, जो मतलब मुझे पैसे मैं दूँगा।
डॉक्टर के इसका गारंटी कौन लेगा मैं कि मैं लूँगा। तो मैंने मेरे बच्चे की फोटो और उसको पासपोर्ट दिखाया, मैं कि चूती है तू जानता नहीं मेरे को, मैं आज के 20 साल पहले विदेश देख के आया हूँ, तुम तो अब अजमेर को उसकी गलियों भी नहीं देख जानते हो कि गलियों कितनी है। मैं उस टाइम में स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मन, स्पेन, मैंने कितनी दुनिया देखी आप तो मैंने भी देखी। फिर इसने वो डॉक्टर ने फिर उसको उसको मिसगाइड करा के कहने कि बच्चा लूला या पांगा या अंधा हो जाएगा, बच्चा ऐसा पैदा हुआ जो जो कि खाना ही छोड़ दे। आप देखा होगा ना बच्चा था ना वो पहले। औरत के लिए ऐसे कैसे रख रखा हूँ कि जितनी जरूरत है उतना ले लें। ये बैग पड़ा है उठा, कागज कागज की कमी नहीं, इसमें सोना चांदी दुनिया भर का पड़ा है, ताला लगा मोटा। ये बंदर के लिए कमरा है, बंदर इसमें रहते हैं रात को, आ जाते हैं कभी सर्दी बरसात होती है, बरसात आ रही है भीज रहे हैं, सो जाते हैं आके। फिर ये मकान लेने का था मेरे को, फिर एक आदमी आके बीच में पड़ गया, मैं उसको 25 लाख रुपए दे रहा था इतनी सी जगह, हाँ अब ये मांगा मेरे को 30 लाख रुपए, तो फिर क्या कि ये ही मेक दिस हाउस सो आफ्टर आई मेक दिस हाउस आप बिकॉज ही वॉचिंग ही कंप्लेंट ऑलवेज आई डोंट स्लीप आई डोंट दिस, सो मैं से ओके आई गो मैन सो नथिंग टू सी। One time he problem he broken is my glass in the in a night midnight 2 o'clock midnight because I am also fighting and I what is this is my police so he nothing do so after I go there I close this door I close this door. I close this door, so nobody coming. And after I go there, फिर यहाँ आया, यहाँ खड़ा हुआ, उधर गेट बंद कर दिया, और खोने में वो पत्थर पड़े हैं, इधर पत्थर पड़े, क्या चलाया पत्थर वहाँ से, और जैसे वो गाय और बकरी भगती है ना, कोई और तो यार नशे में गया, ये पागल हो नहीं तो ये मेरे को मार देते, मैं नहीं हूँ तो। मैंने इधर दरवाज़ा बंद कर दिया, इधर बंद करके पुलिस में फ़ोन कर दिया, पुलिस आती नहीं है। जब मैं पता चलने लगा तो ये इधर से आके ये पीछे का घर इनका ही है, ये जो चाय की दुकान है ना बीच में जो बाज़ार में इनका ही था ये वाड़ा, और ये बेच के पिस्ताते हैं माधव चौक तो अपने बाज़ार बीच में दुकान बाबा गेस्ट हाउस ये उधर जो ये रेस्टोरेंट आ गए तो वो भी उनका ही है, इधर ये घर इनका ये भी इनका। मैं कह रहा हूँ पूरे पुष्कर में एक ही नाम है फतू फतेह सिंह, दो नाम तो है ही नहीं। ठीक है साईं बाबा वो है ये है तो नाम तो मेरा ही चलेगा।
सबसे पहले कुछ भी नहीं था पृथ्वी, धरती पृथ्वी, पृथ्वी में तो अपन जनता है और धरती ये धरती माता है, कुछ भी नहीं था, जड़ाई जड़ ही जल था, जल के ऊपर अवतार हुआ राधा और कृष्ण। कृष्ण जी की नाभि से जो नड़ा निकल के फूल आया उसमें से हुआ महाब्रह्म महाकाल, वो महाब्रह्म भी है तो महाकाल भी है, और राधा जी की नाभि से जो नेड़ा चला उससे हुई महाशक्ति। तो महाकाल ने शक्ति से कहा कि मैं तुझसे तुझको भरूंगा, तो इसने मना किया, हाथ जोड़ के कहा मेरे बड़े भाई हो, ये घोर अन्यायी नमायम। वहाँ से इसको पेट में ले गया तो वापिस निकाल दी, फिर इसने फिर भी कही कि ये घोर अन्याय, पहले आपकी बहन और अब आपकी पुत्री दोनों हो, लेकिन वो तो महाब्रह्म महाकाल था, शादी दोनों को ही जल के ऊपर हुई, भाई बहन थे और शादी भाई हो गई। भाई बहन की सृष्टि, भाई बहन की सृष्टि बता रहा हूँ, फिर उनसे उनसे बहन की सृष्टि, उनसे महाशक्ति और महाब्रह्म काल से कौन ब्रह्मा विष्णु और महेश। अब जब तक बच्चे रहे जब तक तो महाकाल वहाँ रहा, और जब कुछ अवस्था में आने लगे और कुछ समझ में आने लगे तो महाकाल ने कहा शक्ति से कि देख शक्ति अब मैं अदृश्य होऊंगा, उसको कहते हैं निरंजन निरंकार, आज भी दर्शन नहीं देते हूँ, निरंजन निरंकार जो कोई आकार ही नहीं वो क्या दर्शन देंगे। जब ब्रह्मा जी युवा अवस्था में आए तो ब्रह्मा जी ने शक्ति से कहा कि माता हम आप ही आपके दर्शन करते हैं, हमारे पिता का तो बताओ पिताजी कहाँ है। तो महाशक्ति ने कहा कि बेटा आपके पिता अदृश्य हैं, वो किसी को दर्शन नहीं देते, अदृश्य हैं वो। बोलो नहीं मैं तो दर्शन करके ही रहूँगा, और बोलो नहीं किए तो मैं मुँह नहीं दिखाऊँगा। तो बोले जा, तो 12 साल की तपस्या की इसने, जिसने ब्रह्मा ने, लेकिन दर्शन नहीं है। तो शक्ति ने अपनी मणि से और अपनी शक्ति से गायत्री नाम की कन्या पैदा की, और गायत्री को वहाँ भेजा किसके पास, ब्रह्मा के पास, जा ब्रह्मा को लिया। तो ये गई वहाँ तो ब्रह्मा जी से कही कि आपको माता जी ने बुलाया, तो ब्रह्मा ने कही मैं तो नहीं चलूँ जब तक पिताजी के दर्शन नहीं, नहीं बोले बोले एक शर्त पे चलूँ, बोले बोले माता जी के पास चल करके ये कहना पड़े कि ब्रह्मा जी को दर्शन हो गए पिताजी, बोले मैं तो ये जो गायत्री कहती है कि मैं तो ये झूठ नहीं मिलूंगी, तो गायत्री ने फिर शर्त रख दी उसके सामने कि मैं एक शर्त पे झूठ बोल सकती हूँ, बोले वो क्या, कि आप मेरे से शादी करो। जब ब्रह्मा जी ने गायत्री से शादी की फिर गायत्री ने अपनी शक्ति से अपुहित नाम की कन्या पैदा की, तो उससे दोनों तो वो हो ही गए पहले, और तीसरी वो साक्षी और बनाने, तो उसने भी यही शर्त रख दी कि मैं झूठ जब ही बोल सकती हूँ कि आप मेरे से शादी करो, तो अपुहित नाम से भी शादी हो गई, दोनों से शादी करके तीनों प्राणी शक्ति के पास पहुँच गए। शक्ति के पास आकर के कहा कि हमको, बोले ब्रह्मा कर लिए दर्शन, बोले हाँ कर लिए, बोले क्या, बोले इनसे पूछ, तो गायत्री से कोई पैदा की थी शक्ति ने, तो बोले गायत्री हो गए, बोले जरूर हो गए, बोले ये कौन है, बोले आपने मुझे पैदा किया तो मैंने इसको पैदा किया, इसका नाम है अपुत। जब शक्ति असंभव पड़ गई तो उसने ध्यान लगाया महाब्रह्म महाकाल का कि आपने तो ये कह के वचन दे के गए थे कि मैं किसी अदृश्य रहूंगा किसी को दर्शन, ये तीन तीन प्राणी कह रहे हैं कि दर्शन हो गए, शक्ति से आकाशवाणी में कही है कि ये तीनों मिथ्या झूठ बोल रहे हैं, मैं आज भी अदृश्य हूँ और अदृश्य रहूँगा आज। तो वहाँ शक्ति ने ब्रह्मा को श्राप दिया था कि जा ब्रह्मा संसार में तेरी कहीं पूजा नहीं होगी, और गायत्री को दे दिया क्या कि जा तेरे सांड पति होंगे जिसकी गाय बना दी, और अपुहित को श्राप हो दिया कि जा तेरा वो फूल बनेगा जो किसी देव के काम नहीं आएगा। अब चलो सब फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना की इसने, किसने, ब्रह्मा ने, कि श्राप तो दे लिया लेकिन इस श्राप का उद्धार कि जा तू जहाँ जाकर के संसार में पृथ्वी के ऊपर यज्ञ करेगा ना, उससे थोड़ा तेरा उद्धार हो जाएगा, पूजा कहीं भी नहीं होगी एक ही जगह, वो तेरा संकट कट जाएगा, वो संकट संकट कट जाएगा मतलब।
एक दिन शिव ने ब्रह्मा से कहा, आपके क्रोध की ज्वाला बार बार इस संसार को जला डालती है, यह धरती बंजर हो जाती है, लेकिन फिर भी आपके द्वारा बनाए असंख्य प्राणी अब भी उसमें रह रहे हैं, जैसे उन्हें पता ही नहीं कि वे अपना क्या करें। आपने जिस जीवन का सृजन किया है उसे इतना तुच्छ क्यों होने दे रहे हैं? मनुष्यों को मृत्यु को प्राप्त होने दीजिए। हमारे बीच हर क्रिया अनेक बार घटती है, इसी तरह धरती के प्राणी भी अनेक बार मर सकते हैं और इस तरह फिर से नया जीवन पा सकते हैं। तब उन्हें इस अंतहीन जीवन का अपमान अभिशाप नहीं झेलना होगा। कुछ पल के लिए अनिश्चय की स्थिति बनी रही, जैसे सृष्टि ने सांस लेना बंद कर दिया हो। फिर एक कन्या ब्रह्मा के सामने प्रकट हुई। वह लाल परिधान में थी, कानों में बड़े बड़े कुंडल थे। वह ब्रह्मा के सामने प्रणाम की मुद्रा में झुक गई। ब्रह्मा और शिव की दृष्टि उस लड़की पर टिकी हुई थी। फिर ब्रह्मा ने कहा, मृत्यु निकट आओ, तुम्हें धरती पर जाना है, तुम्हें मेरे बनाए प्राणियों को मारना होगा। साधारण असाधारण शैतान कोई नहीं बचेगा, तुम्हारा एक ही नियम होगा, सबको समाप्त करना। मृत्यु ने कहा, मुझे सृष्टि का नियम भंग करने से डर लगता है। उसने आंखें झुका ली और चुपचाप संसार में जा पहुंची। उसने अपनी आंखों में आंसू नहीं छलकने दिए। वह जिनके प्राण ले रही थी उनके प्रति मृत्यु का यह अंतिम कृपा भाव था। स्वयं के देव ब्रह्मा, वह स्वजन्मा है, उन्होंने स्वयं बनाया है स्वयं को। उन्होंने अपने अंदर ही सिमटने का प्रयास किया, लेकिन सृष्टि की रचना के बाद उन्हें इस संदर्भ में बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ीं। वह पुत्रों को जन्म देते, उनके आनंदमय यौवन को निहारते, देखते उनके उत्तान शिशनों को और फिर उनसे प्रजनन के लिए कहते, लेकिन उनके पुत्र लज्जालु कन्याओं की तरह गहन वन में चले जाते ध्यान तप करने के लिए, मानो उनका रचा हुआ संसार अपने रचे जाने से पहले ही यह चाहता था कि वह फिर से उस मानस मन में समा जाए जिससे उसने जन्म लिया था। ब्रह्मा ने एक नाम पुकारा, गायत्री, शत्रुपा, सावित्री, सरस्वती।
उनके हिलते होंठों से स्पष्ट जानना कठिन था। और फिर उनका वक्ष स्थल द्वार की तरह खुल गया। उससे निकलकर एक नारी धरती पर आ खड़ी हुई। ब्रह्मा के मानस पुत्रों को पिता की यह तल्लीनता, उनका यह जड़ उन्माद पहले ही ठीक नहीं लग रहा था। वे पिता को घेर कर खड़े हो गए और देखने लगे। जब उन्होंने पिता के अंदर से एक लड़की को बाहर आते देखा तो वे उसे अपनी बहन समझे। ब्रह्मा ने उस लड़की की ओर देखा और देखने में यूं तल्लीन हो गए जैसे उनके आसपास उस लड़की के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। वह कह उठे, वाह क्या सौंदर्य है, कितनी सुंदर है यह। वाह क्या बात है। प्रदक्षिणा करती शत्रुपा को देखने के प्रयास में हर तरफ ब्रह्मा का सिर उग आया। वाह क्या बात है। शत्रुपा की ओर देखते देखते ब्रह्मा की खोपड़ी पर एक सिर और उग आया। उन्होंने उसे अपने काले केशों के जटाजूट में छिपा लिया। एक दिन फिर शत्रुपा उनके सामने उपस्थित थी। ब्रह्मा को लगा यह वस्तुतः शत्रुपा नहीं उनकी एक और मानस आकृति ही है जिसने उन्हें बहुत मानसिक संताप पहुंचाया है। फिर अनायास ही उन्होंने अपना हाथ शत्रुपा की ओर बढ़ाया। शत्रुपा ने भी वैसा ही किया। दोनों की उंगलियों के पोरुओं ने एक दूसरे को छुआ और ब्रह्मा को जैसे एक तेज झटका लगा। उनकी आँखों के सामने पड़ा पर्दा एकाएक हट गया। उस क्षण उन्हें प्रथम अनुभूति हुई कि स्पर्श का अर्थ क्या है। ब्रह्मा उठ खड़े हुए और निशब्द भाव से शत्रुपा के साथ चल पड़े। ब्रह्मा ने शत्रुपा से कमल पंखुड़ी पर लेटने को कहा और फिर स्वयं भी वहीं जा लेटे। धीरे धीरे कमल की पंखुड़ी ने मुंद कर उन दोनों को अपने में छिपा लिया। दोनों साधारण स्त्री पुरुष जैसे एक दूसरे से प्यार करते रहे और इस तरह मनु शत्रुपा के गर्भ में आए। मनु ने मानव जीवन की स्थापना की। ब्रह्मा का पांचवां सिर सदा उनके काले जटाजूट में छिपा नहीं रहता था। कभी कभी कोई उनके बालों में चमकते सिर को देख ही लेता था। कुछ लोगों को लगता है जैसे उन्होंने किसी घोड़े का सिर देखा हो। वैसे जल्दी ही शिव ब्रह्मा के पांचवें सिर को काट डालने वाले थे। शिव के क्रोध का कारण क्या था, यह बात आज तक रहस्य ही बनी हुई है। क्या इसके पीछे ब्रह्मा के मन में अपनी बेटी के प्रति जन्मी कामेच्छा थी या फिर अपनी पुत्र वधुओं और अपनी पौत्रियों के प्रति उनका झुकाव था या फिर उनके सामने आई पहली स्त्री शत्रुपा के लिए उभरी आसक्ति इसका कारण थी। या संभव है उनके पांचवें सिर ने शिव के प्रति कुछ गर्वीले अपमानजनक शब्द कह दिए हों और इसीलिए उन्हें यह अच्छा न लगा हो कि कोई भी अन्य पांच सिर वाला बनकर उनकी इस विशिष्टता का महत्व कम कर दे। ब्रह्मा का सिर काटने के लिए शिव भैरव के भयानक रूप में प्रकट हुए और अपने बाएं हाथ के अंगूठे के नाखून से उन्होंने ब्रह्मा का पांचवां सिर काट दिया। यह सब इतनी तीव्रता से हो गया था कि ब्रह्मा चकित भाव से चारों दिशाओं में ताकते रह गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हो गया है। शिव ने ब्रह्मा के कटे सिर को उछालकर फेंकने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने पाया कटा सिर उनकी हथेली से चिपक कर रह गया है। फिर कपाल में स्थित मस्तिष्क बाहर गिर गया और उनकी हथेली पर खाली कपाल चिपका रह गया जैसे कोई पात्र। इस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए उन्हें अनेक वर्षों तक यायावर बनना होगा, हथेली पर चिपके कपाल में ही अपना भोजन जुटाते हुए, जो उन्हें स्मरण कराता रहेगा कि उन्होंने क्या अपराध कर डाला था।
डॉक्टर केंद्र से आए हैं, आपसे आपका साथी रतलाल पहला पेपर आपका इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत की आवाज में खुशियां तो देखा देना, अरे खुशियां देखा क्या पड़ा था मेरा बच्चे का केंद्र आ जाए मैं तो बचपन में आया था एक बार सर बस। जब आप शिफ्ट हुए होंगे तब नहीं होगा ना सर रोड तो यहाँ पे तो इतना ऊंचाई पे आ जाते थे लोग पैदल हमारे टीचर तो ऐसे सीढ़ियों से आते थे स्कूल जाते थे पढ़ने आते थे छोटे लड़के पर हमारे ड्राइंग टीचर और संस्कृत के टीचर जो थे हमारे संस्कृत के टीचर मौलवी साहब थे। अरे वाह क्या बात है। उर्दू भी पढ़ाते थे और संस्कृत भी पढ़ाते थे। बहुत सही।